कैसे हो दोस्तों, आई होप कि आप सब बढ़िया से होंगे। अभी मैं अपने फार्म पे हूँ और बहुत दिनों के बाद आज मैं अपने फार्म पे आया हूँ और आज मैं पूरी अपने फार्म के बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसा चल रहा है फार्म और कैसा सभी का बायोडाटा है, मतलब कौन कौन सी गाय प्रेग्नेंट हो चुकी है, ये सब चीज़ को लेकर आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम अपने बछिया से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी शीतल वाली बछिया, जो हमारी बछड़ी जिसको हमने सेमेन आज से लगभग 3 महीना पहले डलवाया था, ये कंसीव कर गई, इसका चेकआउट भी हो चुका है। और यहाँ पे जो इसका हमको देखने के लिए मिल रहा है, सबसे ज़्यादा इसका हाइट लंबाई जो है लेंथ इसका जो है लग रहा है और काफ़ी बढ़िया है भी। तो ये कंसीव कर गई है, लगभग 3 महीना इसका शायद हो रहा है। और यहाँ पर इसका ये देख सकते हैं बाट वगैरह काफ़ी पहले से ढीली है, यहाँ से ऐसा देखने में लग रहा है। और काफ़ी बढ़िया होगा जब ये गाय के रूप में हो जाएगी, यानी जैसे बच्चा दे देगी तो इसका थन बाट भी काफ़ी बढ़िया देखने में लगेगा। गैपिंग है इसका जो काफ़ी क्लियर आपको देखने में लग रहा है। ये देखिए इसका लंबाई मुझे देखकर काफ़ी खुशी हुआ और काफ़ी बढ़िया देखने में लग रही है। अब मैं दूसरी बछड़ी की बात कर लेता हूँ, जो आंटी का जो बच्चा है इसके बारे में। ये वाली बछड़ी जो हमारी है, जो फार्म की सबसे बेस्ट बछड़ी मानी जाती है और है भी, देखेंगे आप, तो भले से टाइम ज़्यादा लिया हो हीट में आने में, तो काफ़ी बढ़िया ये बछड़ी है। ये देख सकते हैं इसका जो ब्यात जो ब्याएगी, जब ये कंसीव करने के बाद इसका कंफर्म होने के बाद जो बच्चा इसका आएगा वो भी काफ़ी बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसके साथ WWAS का सेमेन जो हमारे पास है वो लगाया गया है और ये काफ़ी बढ़िया होगी जब तैयार होगी, क्योंकि इसका भी हाइट वेट लंबाई सब अगर देखेंगे ना तो काफ़ी खूबसूरत आपको देखने में लगेगा और काफ़ी बढ़िया हो गया। इसका 2 साल प्लस हो गया जो कि काफ़ी बढ़िया है, अगर इतना टाइम ली है तो लेट से अगर भी आती है तो भी बढ़िया दूध इसके पास रहेगा, क्योंकि अभी से इसका थन बाट जो है इसका काफ़ी बढ़िया है। और वेट की भी बात कर लिया जाए तो काफ़ी बढ़िया इसका हो गया, जो सेमेन यूज़ किया गया है उसके हिसाब से इसका दूध और बढ़िया होगा, इसका जो बच्चा आएगा वो भी काफ़ी बढ़िया ब्रीड में होगा, तो इसके लिए इंतज़ार। और जो हम बछड़ियों की बात कर लेते हैं, इधर जो हमारी छोटी छोटी बछड़ी जो है ये भी काफ़ी बढ़िया तंदुरुस्त चिकनाहट सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है। और लेकिन थोड़ी सी एक बछड़ी जो है इसमें शीतल वाली बछड़ी जो है यहाँ पे, ये थोड़ी सी अपनी माँ का शरीर ली है, यानी माँ इसकी दुबली रहती है तो उसी तरह इसका भी शरीर है, लंबाई तो बढ़िया है लेकिन थोड़ी सी ये दुबली शुरू से ही रही है और अभी भी है। और इधर हम इस जर्सी जो हमारी बछड़ी थी जो ब्याई आज से लगभग 2-3 महीना पहले, तो इस बछड़ी का भी रिजल्ट काफ़ी बढ़िया रहा, लेकिन थोड़ी सी मिल्क में है तो दुबली ज़रूर हुई है और इसका थन बाट भी काफ़ी बढ़िया रहा। और इधर हमारे सुजीत भाई से जो बछड़ी आई थी जो प्रेग्नेंट है, इसका ब्याह तो हो सकता है कि इस मंथ के लास्ट तक हो सकता है ये बच्चा दे सकती है। अभी इसका एक मुझे एक चीज़ दिखा, अभी इसका इसके लेफ्ट साइड में अगर आप गौर से देखेंगे तो इसका पैर में जो है सूजन है, यहाँ पे देखिए क्लियर पता चल रहा है सूजन है। तो ये सूजन कुछ लोगों का मानना यह है कि ये सूजन ब्याने से पहले होता है और ब्याने के बाद ये धीरे धीरे ठीक हो जाती है। अब हम भैंस के बारे में बात कर लेते हैं, तो भैंस का मुझे डेट पता नहीं है कि कब वो बच्चा देगी और कितने दिन का वो प्रेग्नेंट है। अब जो उसका बाँट, हम जहाँ तक उसका थन बाँट देख रहे हैं कुछ ढीला जैसा लग रहा है, हो सकता है 1-1.5 महीना टाइम ले सकती है। अब जो हम इस बछड़ी का बात करते हैं, जो हमारी जर्सी के साथ ये बछड़ी HF ब्रीड वाली आई थी, ये भी बछड़ी काफ़ी बढ़िया है। इसका थन बाट अगर मैं करीब से आपको दिखाने की कोशिश करूं, ये देखिए इसका थन बाट भी काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी थन बाट बढ़िया बनाएगी टाइम पूर्ण तक। इससे पहले मैंने जो इस बछड़ी का दिखाया था, एक हमारे पास काड़ा जो भैंस का बच्चा जो है उसने मुंह लगाकर, या गाय का बछिया जो थी वो मुंह लगाई थी बांधने के कारण, तो उससे जो है थन ज़्यादा ढीला हो गया था और दिक्कत हुआ था, लेकिन वो उसमें थन अब फिर सूखा और फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ है। तो अब जो बढ़ेगा वो थन इसका खुद का बनावटी, जैसे टाइम जो जैसे जैसे करीब हो रहा है उसका बनावटी का दिखेगा और ये काफ़ी बढ़िया तैयार होगी ऐसा देखने में लग रहा है।
इसका भी एक महीना या डेढ़ महीना इस तरह का टाइम बाकी है ब्याने में, तो ये काफ़ी बढ़िया है। वहाँ पे शीतल हमारी दिख रही है, शीतल जो प्रेग्नेंट है उसका भी चेक हो चुका है, वो भी कंफर्म कंसीव कर गई है। और बाकी सेमेन लगा हुआ जो हमारी नई गाय आई थी उसको भी सेमेन लगा हुआ है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है। भैंस दो और आगे है, दोनों भैंस में से किसी की कोई भी हीट में नहीं आई है, बहुत जल्द हीट में आएगी, एक दो महीने के अंदर में वो हीट में आ जाएगी, क्योंकि उसका सीज़न आने वाला है हीट में आने का, तो उस सीज़न में वो हीट में आएगी। उस ये भैंस आप जो देख पा रहे हैं ना, ये भैंस मुझे मारती है, इसके वजह से मुझे आगे पीछे होने पड़ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक से ज़रूर कर दें। थैंक यू।